लेकिन अब जम्मू के बाद रुख करते हैं कश्मीर का, जिसका विनोद भी जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर से भी एक तस्वीर सामने आई है, रहबरे जंगलात कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया गया है। इससे पहले भी हमने देखा था कि रहबरे खेल और रहबरे जंगलात कर्मचारियों की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा था। हालांकि SSRB को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है, अपनी बात को रखने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। सरकार से पक्का करने की मांग की जा रही है और सड़कों पर हजारों कर्मचारी उतर आए हैं। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अपनी मांगों को लेकर किस तरीके से सड़कों पर उतरा गया है और किस तरीके से रहबरे जंगलात कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवा देते हैं कि इनकी मांगे क्या हैं, फिर अपने सीनियर साथी सनम एजाज का रुख करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। हम रहबरी जंगलात की है, हमारा 2017 में हमें अपॉइंटमेंट की है एज रहबरी जंगलात। हम इस वक्त हमें 5 साल कंप्लीट होने वाले हैं, हमें 4 साल और 8 महीने हो गए, 4 साल और 10 महीने हो गए यहाँ पे। अब हमारे 2 महीने के बाद हमारी अब कन्फर्मेशन होने वाली है। हम अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, हमारे जो भी हमारे डिपार्टमेंट से है, जो जितने भी सारे हमारे साहिबान से है, जो भी हमारे हायर अथॉरिटीज है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो इस वक्त हमें सब लोगों का, मैं अकेले RJ की बात क्यों नहीं कर रही, मैं RK की विभाग की बात कर रही हूँ, मैं NYC की बात, क्योंकि वो भी हमारे भाई बहन है, हम सब है, हम एक ही छतरी के नीचे, हम एक ही अम्ब्रेला के नीचे। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, सब आपने एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज एंड प्लीज जो भी हमारा ये आपने ऑर्डर निकाला है, इसको रिवोक किया जाए। इसलिए रिवोक किया जाए क्योंकि हमारी जो फ्यूचर, हमारा फ्यूचर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हमारे इसमें जितने भी सारे हमारे इसमें एज है, नियर अबाउट 50 से अबव है, 45-40 से भी अबव है, इस टाइम हम कहाँ जाएंगे। मैं अपने ऑर्डर में ये लिखा है कि आपके भी जो भी जो पोस्टर्स है वो उसको रिफ्रीज किया गया है, डिफ्रीज किया गया है, और उसको SSRB को एडवर्टीजमेंट के लिए। आप हमें बताएं, जब हमारे लिए वो पोस्ट हो गए हैं, फ्रीज हुए थे, तो इस वक्त क्यों डिपार्टमेंट हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा है? इसलिए इनजस्टिस कर रहा है क्योंकि हम कश्मीरी है या हम JNK में रहते हैं, हम JNK के हैं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जो भी हमारा डेमोक्रेसी है वो यही राइट देता है हमें कि आफ्टर 5 ईयर 7 ईयर 10 ईयर के बाद आपको किक किया जाए। ये हमारे एडमिनिस्ट्रेशन का यही हुकूक है, इंसाफ है कि इस वक्त हमें सारों को, हमें जितने भी रहवर्स है, NYC है, उनको किक किया जा रहा है। हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, अपने LG साहब से, अपने मोदी साहब से, अमित साहब से, जो जितेंद्र साहब है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लड़की, एज ए लड़कों की तरफ से, सबकी तरफ से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, जो भी ये हमारे को ये ऑर्डर आए, इसको रिवोक किया जाए। जितना जल्दी रिवोक हो जाएगा उतना हम अपने घर जाएंगे। कहा गया रहबरे जंगलात कर्मचारियों की तरफ से, क्योंकि प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो अपना जो समय है बिता चुके हैं 5 साल का, लेकिन जो SSRB एक नए तरीके से भर्तियां करने की बात कह रही है, उसको लेकर ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ देर में सदम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर साथी, और वो आपको बताएंगे कि आखिर ये प्रदर्शन लगातार क्यों जारी है, क्या इनको कोई आश्वासन सरकार की तरफ से नहीं दिया गया है, क्योंकि रहबरे खेल और रहबरे जंगलात कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ हमने देखा था कि पिछले दिनों नौकरी से हटाए जाने को लेकर एक खबर सामने आई थी, जिसके बाद आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन अब जो ये प्रदर्शन हो रहा है वो SSRB को लेकर किया जा रहा है। सनम एजाज उस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सीनियर साथी हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। सनम, बहुत बहुत शुक्रिया 5 के 5 में अपना समय देने के लिए। सनम, जानकारी दीजिएगा, क्योंकि रहबरे खेल और रहबरे जंगलात कि जो कर्मचारी हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले दिनों हमने देखा था कि नौकरी से हटाए जाने को लेकर जो बात सामने आई थी, उसको आश्वासन को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन अभी जो रहबरे जंगलात की तस्वीर हम देख रहे हैं, जो कर्मचारियों की तस्वीर देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि SSRB को लेकर ये प्रदर्शन है और हमारे तो 5-5 साल हो चुके हैं, लेकिन नए तरीके से अगर भर्तियां होंगी तो हम कहां जाएंगे? देखिए बिल्कुल हर्ष, हमें एक चीज माननी पड़ेगी, इस वक्त ये कश्मीर शायद दुनिया की पहली स्टेट होगी जहां पे एक सरकार अगर फैसला करती है तो दूसरी सरकार जो आती है तो उस पिछली सरकार के फैसले को कहीं ना कहीं उससे लोगों को निराश कर देती है। और आज का ये जो रहबरे जंगलात या रहबरे ज़िरात या NYC के जो फैसले सरकार ने हालिया दिन लिए हैं, ये बिल्कुल उसी की निशानदेही करती है, उसी की छवि है जो शायद कश्मीर में पहली बार या दुनिया के किसी हिस्से में पहली बार हो रहा है। ये मुलाजिम जो है
ये रैबर जंगलात हैं, ये रैबर दूसरे जो भी हैं, इन्हें पिछली सरकारों ने बाजाबता तौर पे एक प्रोसेस के तहत लगाया है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि ये कहीं से हवा में उतर के आए हैं और उसके बाद इन्हें यहाँ पे सरकार ने अपॉइंट किया है। ये बाजाबता तौर पे प्रोसेस होकर जब आए हैं तो उसके बाद अब जो सरकार है वो नई सरकार ने पिछले दिनों ऑर्डर निकाला, उस ऑर्डर के बाद सरकार ने बताया कि ऑर्डर जो है बाद में जब प्रेशर एक आया जम्मू से लेकर कश्मीर तक उन पर जो प्रेशर चढ़ा तो सरकार ने फिर बताया कि फेक ऑर्डर है। लेकिन उसके लिए बाजाबता तौर पे कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाली, ऐसे जबानी जो है स्टेटमेंट डाल दिया इंफॉर्मेशन से बाजाबता कोई कैबिनेट वगैरह नहीं निकाला। और इस वक्त उसी चीज को देखिए अब यहाँ के जो रहबर जिरात है, रहबर जंगलात है, जितने भी ये लोग हैं ये परेशान है और सरकार की कथनी और करनी में फर्क बता रही कि आज जो डिपार्टमेंट आप इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन दे निकाल तो दिया, स्टेटमेंट निकाल दिया, लेकिन कोई कैबिनेट डिसीजन नहीं है। और जब तक सरकार कैबिनेट डिसीजन निकालेगी तब तक हम नहीं मानने वाले सरकार का जो क्योंकि जब सरकार की पिछली सरकार की बाजाबता तौर पे कैबिनेट डिसीजन पे जम्मू कश्मीर की सरकार नया नोटिस निकाल सकती है तो अब ये जो इंफॉर्मेशन के पब्लिक जो प्रेस रिलीज है उसको भी कल नहीं मान सकती है क्योंकि इस वक्त इस जो लोग हैं सरकार ने उनका गुस्सा देखा उसके बाद बैकफुट पर चली गई। लेकिन कल का क्या भरोसा है और यही वजह है कि ये लोग जो करीबन 8 साल 10 साल दे चुके हैं तो सरकार बताती है कि नहीं जी आप दोबारा जाइए पब्लिक सर्विस कमीशन वहां पे दोबारा फॉर्म अप्लाई करिए, दोबारा जमा कराइए और उसके बाद आपका दोबारा इंटरव्यू होगा, फिर आपको 2 पॉइंट 4 पॉइंट दिए जाएंगे। ये शायद नाइंसाफी, इसको हम नाइंसाफी कह सकते हैं और ये शायद कश्मीर वाइड स्टेट होगी मुल्क में जहां इस तरह का हो रहा है। अब तक सुना था हमने कि बिहार में जो कुछ हो रहा है वो थोड़ा सा गलत होता है लेकिन कश्मीर में भी पिछले काफी समय से इस तरह से जो लोग हैं जो जॉब एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हो रहा है और इसको हम लोग कहते हैं कि बहुत नाइंसाफी हो रही है। ठीक है सदन, क्या कोई आश्वासन दिया गया है क्या, क्योंकि पिछले दिनों जो बवाल हुआ था रैबरे खेल और रैबले जंगलात के जो कर्मचारियों को हटाने की बात कही गई थी तो एक ट्वीट भी सामने आया था जिसके बाद कहा गया कि भैया ट्वीट से काम नहीं चलेगा, सरकार को ऑर्डर जारी करना है। इस मामले को लेकर कोई आश्वासन, कोई बात ऐसी सामने आई हो जो संतुष्टि हो इन कर्मचारियों के अंदर? देखिए आश्वासन, हर्ष आश्वासन आ भी जाए तो विश्वास अब कब, क्योंकि झूठ इतना सरकार ने बोले इन लोगों के मुताबिक, इन्हें हर चीज अब लगता है। देखिए सरकार ने पिछले दिनों बाजाबता तौर पर ऑर्डर निकाला और उसके बाद जब सरकार को उस ऑर्डर में जो वो कमेटी ऑर्डर तो नहीं निकाला लेकिन एक कमेटी बिठाई और कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन दे दी, लेकिन उसके बाद जब सरकार को एक प्रेशर आया तो अचानक जम्मू में बीजेपी के नेता बताते हैं तो स्टेट प्रेसिडेंट ही ऑर्डर फेक है और उसके बाद शाम को सरकार जो है डायरेक्टोरेट ऑफ इन्फॉर्मेशन के जरिए एक स्टेटमेंट निकालती है, कोई ऑर्डर नहीं निकालती है। जरूरी है इस वक्त क्योंकि अब विश्वास जगाने के लिए इतना अविश्वास हो चुका है, इतना अनकॉन्फिडेंस हो चुका है, अब सरकार के अपनी बात मनवाने के लिए कोई ना कोई ऐसा कदम उठाना है ताकि लोगों में या इन लोगों में वो विश्वास हो जाए। वो विश्वास की कमी हो चुकी है यहाँ पे और उस विश्वास की कमी को दूर करने के लिए सरकार को अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत से ऑर्डर्स यहाँ पे फेक हुए हैं। अब परसों ही बता देते हैं आपको एक और ऑर्डर यहाँ पे सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था कि अपना राशन कार्ड जमा कराना है, फिर जो सीएपीडी डिपार्टमेंट ने उसका साफ किया कि नहीं वो फेक ऑर्डर है। ये फेक ऑर्डर वाला जो है इसके बाद लोगों में विश्वास की कमी है, विश्वासघात से जो इस तरह के लोग उनको दिखाई दे रहा है और इस वक्त सरकार की जिम्मेदारी, ये छोटा ग्रुप नहीं है, ये 50,000 के करीब, ये 15,000 के करीब ये लोग जो है, इन लोगों में एक विश्वास जगाने के लिए, विश्वास बिठाने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं कोई ऐसा डिसीजन निकालना पड़ेगा ताकि इन लोगों को भी विश्वास आ जाए कि नहीं सरकार ने उनका सुना, सरकार सुन रही है और सरकार कर रही है। बिल्कुल सर, आप नजर बनाए रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों को समझाने के लिए। फिलहाल ये प्रदर्शन की तस्वीर लगातार सामने आ रही है लेकिन सरकार का आश्वासन पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, क्या सरकार कहेगी, उपराज्यपाल प्रशासन क्या कुछ कहेगा, जानकारी हम आपको देते रहेंगे। हमारे सीनियर साथी और तमाम रिपोर्टर बने रहते हैं, आप तक जानकारी पहुंचाते हैं।